नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओप्पो A55 4G वर्सेस पोको M4 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A55 4G में 6.44 इंच जबकि Poco M4 Pro में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है जो कि A55 4G से कम है। विड्थ की बात करें तो A55 4G में 2.98 इंच जबकि Poco M4 Pro में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है जो कि A55 4G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A55 4G में 0.33 इंच जबकि Poco M4 Pro में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A55 4G में 193 ग्राम जबकि Poco M4 Pro में 179.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A55 4G में IPS LCD जबकि Poco M4 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A55 4G में 6.51 इंचेस जबकि Poco M4 Pro में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A55 4G में 720x1600 और Poco M4 Pro में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A55 4G में 82.62% जबकि Poco M4 Pro में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A55 4G में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco M4 Pro में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A55 4G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Poco M4 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A55 4G में पावर GE8320 जबकि Poco M4 Pro में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A55 4G में MediaTek Helio G35 और Poco M4 Pro में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो A55 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Poco M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A55 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Poco M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A55 4G में अप टू 256GB जबकि Poco M4 Pro में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A55 4G में 2 कलर्स जबकि Poco M4 Pro में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A55 4G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 15,490 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,700 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको M4 Pro की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A55 4G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको M4 Pro की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में पोको M4 Pro आगे है, मेन कैमरा में पोको M4 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको M4 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Oppo F17 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 आई है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।